गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सभी टीचर्स को नमस्कार हमारा। मैम वी कैन स्टार्ट नाउ। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। ऐसी ही हिंदी भाषा के प्रति समर्पित हम सभी अध्यापकगण निरंतर प्रयासरत रहते हैं हिंदी भाषा में कौशलों के विकास के लिए, और निरंतर इस प्रक्रिया को बढ़ाते हुए उसके मूल्यांकन और साथ ही उसके से संबंधित परीक्षाओं के लिए। तो ऐसे ही परीक्षा की बात जब आज हम करने जा रहे हैं, प्रश्न पत्र के आधार पर किस प्रकार सत्र दो के लिए जो परीक्षा निर्धारित की गई है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ ही पाठ्यक्रम पर भी हम चर्चा करेंगे जो कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए निर्धारित किया गया है। आज के सत्र के जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, कक्षा 9वीं एवं 10वीं का सत्र दो का पाठ्यक्रम, 10वीं कक्षा के CBSE प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, द्वितीय सत्र प्रश्न पत्र प्रारूप एवं समय नियोजन, स्तरीय तैयारी के उपाय एवं अभ्यास की विधियां, रचनात्मक लेखन और नवीनतम प्रारूप पे मूल्यांकन के बिंदु क्या रहेंगे, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी ने प्रश्न पत्रों को देखा जो CBSE द्वारा जारी किए गए, और जिस कारण से कुछ बदलाव आपको देखने को मिला, कुछ अलग ढंग से प्रस्तुति की गई CBSE द्वारा जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं, जो कि पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे उनसे कुछ अलग है। क्या कारण है इसका और किस आधार पर अब हम इन प्रश्नों का निर्माण करेंगे? नई शिक्षा नीति, हम सभी पिछले कुछ सालों से सुनते आ रहे हैं नई शिक्षा नीति जारी की जा रही है, नए ढंग से पढ़ाई करनी है और करवानी है। CBSE द्वारा समय समय पर कुछ परिपत्र, कुछ सर्कुलर्स जारी किए गए हैं जिसमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग या कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से संबंधित जानकारी दी गई है। साथ ही प्रश्नों का प्रारूप कैसा रहेगा इस पर भी समय समय पर विचार किया जाता रहा है। तो नई शिक्षा नीति के आधार पर ही जो हम देखते हैं कि वो प्रवाहात्मकता, नए विचार उत्पन्न करना नई शिक्षा नीति की विचारधारा है, कि बच्चों में नए विचार उत्पन्न करना। इसी कारण से जब हम प्रश्नों को देखते हैं तो उसमें केवल पाठ के द्वारा क्या सीखा इस बात की चर्चा नहीं है, अपितु इस बात की भी पुष्टि की गई है कि बच्चे ने जो कुछ सीखा उसे अपने जीवन में वो किस प्रकार अपनाएगा और अपने विचार उसे उसमें सम्मिलित करके तब प्रश्न का उत्तर देना है। लचीलापन, दृष्टिकोण को आसानी से बदलना, यह आवश्यक नहीं कि जो लेखक का दृष्टिकोण है वही बच्चे का दृष्टिकोण हो, क्योंकि उसमें उसकी विचारधारा पूछी गई है। मौलिकता, नई कल्पना को स्थान दिया गया है, और विस्तार कि निर्माण कैसे किया जाए, विस्तार कैसे किया जाए, क्योंकि ये क्षमता संवर्धन की बात की जा रही है। और किस कारण से ये कहा जा रहा है, जैसा कि अभी मैंने चर्चा की कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का जो सर्कुलर CBSE द्वारा जारी किया गया था, जो कि आप सामने देख रहे हैं 14 मई का सर्कुलर था और सर्कुलर नंबर ACAD 34/2020। तो सर्कुलर के आधार पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर बल दिया गया, और इसी कारण से जो हम देख रहे हैं अब हमारे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में प्रश्नों को जो आकार दिया गया है वो इसी आधार पर दिया गया है। इसी का एनेक्स्चर बी की जब मैं बात कर रही हूँ, तो ये सब हमने चर्चा पहले भी की थी जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से संबंधित वेबिनार गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा आयोजित की गई थी। तो इसमें एंगेज करना, और एंगेज किस ढंग से, एनर्जाइज लर्नर्स, नेविगेट कंटेंट, जनरेट मीनिंग, अप्लाई टू रियल लाइफ, वॉच द लर्निंग और एक्सटेंड। तो ये सभी उसके लिए निर्धारित बिंदु हैं कि जिन्हें हमें अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना है। ये भी पहले इसी एनेक्स्चर में लिखा गया था 2020-21 के लिए कि CBE कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को CBSE के विद्यालयों में जारी किया जाए, उस आधार पर पढ़ाया जाए। केस स्टडी बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इस बात की पुष्टि भी CBSE ने अपने सर्कुलर में पहले ही कर दी थी कि 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए केस स्टडी बेस्ड प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए।
जब हम कक्षा नवी के पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें वैसे सीबीएसई की वेबसाइट पर दिया गया है, पर एक सरसरे तौर पर मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रही हूँ। पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत गद्य खंड में निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि के आधार पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, और काव्य खंड के अंतर्गत कविताओं पर आधारित विद्यार्थियों को क्या काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसे पाठ्य पुस्तक कृतिका के आधार पर कृतिका से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और लेखन के अंतर्गत 20 अंक निर्धारित किए गए हैं जिसमें विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने के लिए अनुच्छेद लेखन जिसकी शब्द सीमा बढ़ा दी गई है। इससे पहले जब आप अनुच्छेद लेखन का कार्य करवाते थे 80 से 100 शब्द निर्धारित किए गए थे सीबीएसई द्वारा, परंतु इस वर्ष के लिए लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन के लिए शब्द सीमा निर्धारित की गई। पत्र लेखन जो कि औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक पर पत्र लेखन क्योंकि विकल्प सहित दिया जाए, 5 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं और शब्द सीमा 120 शब्द रखी गई है। संवाद लेखन, जो संवाद पहले एक पूछा जाता था अब 2 संवाद लिखने हैं और शब्द सीमा रहेगी 40 शब्द प्रत्येक के लिए और 2.5-2.5 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। फिर है लघु कथा लेखन जो कि लगभग 120 शब्दों में विकल्प सहित, इसके लिए भी आपको विकल्प देने हैं, 5 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। फिर है आपका साम्यक आकलन पीरियोडिक टेस्ट 3 अंक के, बहुविध आकलन मल्टीपल असेसमेंट 2 अंकों का, पोर्टफोलियो 2 अंकों का, श्रवण एवं वाचन असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग 3 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। कुछ अध्यापिकाओं को या अध्यापकों को यह शंका रहती है कि ये जो आंतरिक मूल्यांकन के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं वो 2.5-2.5 अंक के हैं, 2.5 उसके लिए किया गया है। ऐसा एक सीमित समय तक था, लगभग 2-3 दिन ऐसा पाठ्यक्रम जारी हुआ था उसमें आपके पास ऐसा विकल्प दिया गया था कि 2.5 अंकों के, लेकिन कुछ समय बाद ही इसे परिवर्तित कर दिया गया था सीबीएसई की वेबसाइट पर, और तब से इसी मूल्यांकन प्रक्रिया को जारी किया गया है और इसी के आधार पर आपको अंक निर्धारित करने हैं। कक्षा नवी के लिए जो पाठ निर्धारित किए गए हैं उनमें जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला, राजेश जोशी की बच्चे काम पर जा रहे हैं, और कृतिका के अंतर्गत है मेरे संग की औरतें, माटी वाली और रीढ़ की हड्डी। कक्षा 10वीं की जब हम बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक क्षितिज के आधार पर पाठों के आधार एवं विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंकों के। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों को काव्य बोध पर रखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और पाठ्य पुस्तक कृतिका के अंतर्गत पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जब हम अनुच्छेद लेखन की बात करते हैं इसमें भी लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन का कार्य करना है, लगभग 120 शब्दों में पत्र लेखन का कार्य, और 2 विज्ञापन इसमें तैयार करने हैं जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द निर्धारित की गई है, 2.5-2.5 अंकों का इसमें विभाजन किया गया है, और 2 विज्ञापन तैयार करने हैं। संदेश लेखन के अंतर्गत 2 विज्ञापन बनाने हैं और 2.5 अंक उसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। संदेश लेखन में शुभकामना, पर्व त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश को सम्मिलित किया गया है, इसके लिए भी आंतरिक मूल्यांकन के अंक विभाजन उसी प्रकार रहेगा, साम्यक आकलन, बहुविध आकलन 2 अंक, पोर्टफोलियो 2 अंक और श्रवण वाचन 3 अंक। पाठ्यक्रम रहेगा उत्साह और अट नहीं रही है, ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान, यशपाल द्वारा लिखा गया लखनवी अंदाज, और मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा। कृतिका के अंतर्गत है शिव पूजन सहाय द्वारा रचित माता का आंचल और जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा, मधु कांतरिया जी द्वारा साना साना हाथ जोड़।
Now, subscribe to Bright Duty course at Rs. 1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Duty and avail your courses at affordable prices. अब बात आती है कि किस आधार पर हमारे प्रश्नों का निर्माण होना चाहिए और एक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते हमें बच्चों में ऐसे कौन से कौशलों का समावेश करना है जो उन्हें आगे बढ़ने में और योग्यता आधारित शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सके। हम देख रहे हैं आपके समक्ष जो स्लाइड इस समय है, मौलिक जीवन कौशल, जिस पर लिखा गया है, जिसमें स्व जागरूकता, समस्या के समाधान की क्षमता, निर्णय क्षमता, विवेचनात्मक सोच, रचनात्मक विचार, अंतर व्यक्तिक संबंध कि हमारे आपसी संबंध कैसे हैं, प्रभावी संप्रेषण, आप किस प्रकार अपनी बात को प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं, तदनुरूपता, जल्दी से स्थिति को समझना और उसके आधार पर उत्तर देना, भावनाओं पर नियंत्रण, किस प्रकार से आप नियंत्रण रखेंगे और तनाव से निपटना इत्यादि, ये सभी जीवन कौशल हैं जिन्हें आधार बनाकर हमारी नई शिक्षा नीति और CBSE द्वारा या WHO द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे। और इसका कारण क्या है? अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाना। तो ये क्रियाकलाप जो हम कर रहे हैं सारे काम, ये छात्र केंद्रित हो, बच्चों पर दबाव कम करना। आप देख रहे हैं चाहे वो मुक्त प्रश्न के रूप में भी आपको प्रश्न लग रहे हैं उसमें कि किस कविता में ऐसा कहा गया है, कहां सामाजिक परिवर्तन की बात की गई है, तो वहां पर एक तरीके से डायरेक्ट अपनी बात नहीं कही जा रही, सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया, बल्कि बच्चों की सोच को विस्तार दिया गया है जिससे कि वो शुरू से ही पढ़ना आरंभ करें, उन्हें लगे कि प्रश्न पत्र जो है कि पाठ के पीछे के कुछ प्रश्न पढ़ लेने पर और अंतिम समय पर पढ़ लेने पर, जैसा कि एक मानसिकता रहती है, अक्सर हम सभी अध्यापक अध्यापिकाएं सहमत होंगे इस बात से कि बच्चों को लगता है कि हिंदी जैसा विषय हम परीक्षा से 4-5 दिन पहले पढ़ेंगे और हम अंक प्राप्त कर लेंगे। सही बात है या नहीं? क्या ऐसा ही लगता है या नहीं लगता? सहमत है सभी मेरी बात से? ये देखिए दोहरा संवाद होना चाहिए, अपनी बातचीत को आप यहाँ जारी रखें, चैट बॉक्स के माध्यम से लिख कर अपनी प्रस्तुति देते रहें। तो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए हिंदी विषय जिसके लिए हम अध्यापक गण इतने प्रयासरत रहते हैं और कोशिश करते हैं कि एक भाषा के रूप में, एक विषय के रूप में बच्चे इसे पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि नित नए अवसर हिंदी भाषा को लेकर आगे आ रहे हैं और बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन बच्चों की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होती। तो ये एक प्रयास है कि बच्चे इस विषय को, इस को भी गंभीरता से लें, अपने विचार अभिव्यक्ति कर सके और एक रटंत प्रणाली जो चली आ रही है उसे बदलने की आवश्यकता जो महसूस की गई उससे अलग हटकर प्रश्न तैयार करना और उनकी सक्रिय भागीदारी बनी रहे। कक्षा में उनकी भागीदारी रहे क्योंकि चर्चा के अनेक बिंदु वहां पर दिए जाते हैं। कुछ ऐसे पाठ हैं जिनमें अक्सर बच्चे रुचि लेते हैं, जैसे कन्यादान कविता हुई, अक्सर आप बच्चे आप पढ़ाते समय देखते हैं कि कक्षा का एक रुख ही बदल जाता है, कितने विचार उभर कर सामने आते हैं, नई नई सोच उभर कर आती है। वहीं हम देखें मानवीय करुणा की, दे चमक की जब हम बात कर रहे हैं तो क्यों जो फादर कामिल बुल्के भारत आए, उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया, यहाँ की संस्कृति को अपनाया, उसका प्रचार प्रसार किया, अपने साथ उसे जोड़ना कि वर्तमान के साथ जोड़कर
कि बच्चे किस प्रकार आज भाषा को ले रहे हैं, हिंदी भाषा के साथ कैसा, किस प्रकार की गंभीरता स्थापित की जा रही है, क्या कार्य हो रहे हैं, या आप अपनी भाषा का उत्थान कैसे करेंगे, नई शिक्षा नीति में भाषाओं पर बल दिया जा रहा है, उसे आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उसके आधार पर हमें प्रश्नों का रुख बदलना, जिससे हमारी कक्षा में अध्यापन की प्रक्रिया जो है वो एक नया मोड़ ले। हाँ, हम सभी के लिए ये एक चैलेंज जरूर है ना। हमें लगता है पहले हम बहुत अच्छी तरह से जब पाठ पढ़ाते जाते थे, साथ साथ प्रश्न बताते थे बच्चों को, यहाँ अच्छा बच्चों ये लाइन पढ़ लो, इसमें से ये प्रश्न आ जाएगा, अक्सर रहता है ना, और बड़ा अच्छा लगता था हमें भी कि अच्छा हमें 10 वर्ष का अनुभव हो चुका परीक्षा के प्रश्न पत्र देखते हुए, हमें पता है कि ये प्रश्न आएंगे। लेकिन उससे अलग जब हम देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात कर रहे हैं, हम जो लीक से हटकर कुछ अलग हटकर सोचना, और वो सोचना दोनों के लिए है, अध्यापक वर्ग के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो सक्रिय भागीदारी और मंच प्रदान करना, मूल्यांकन को व्यापक तथा नियमित बनाना, रचनात्मक अध्यापन के लिए अध्यापक को स्थान दिया जा सके। आप देख रहे हैं कितना कुछ करने के लिए है, और नित नई प्रस्तुतियां हम देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हम सभी अध्यापक जुड़े हुए हैं और देखते हैं कि उसमें कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुति बच्चों द्वारा की जाती है, जो कि तकनीक के साथ जुड़कर आईटी को इस्तेमाल करते हुए नई नई गतिविधियां करवाई जा रही हैं, और किस प्रकार से बच्चे रचनात्मक अध्यापन अध्ययन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और अध्यापक भी कर रहे हैं। जो एक रात में ही परिवर्तन हो गया और हम ऑनलाइन टीचिंग करने लगे, आभासी माध्यम से पढ़ाने लगे, और आज तब से लेकर पिछले, अगर हम लगभग मार्च से पढ़ाना शुरू हो गया था, अप्रैल से शुरू हो गया था कोविड समय से, और तब कोविड के अंतराल में जिस समय में आप हम सभी ने पढ़ाया, तब से आज तक हम देखें तो कितना कुछ सीख चुके हैं। तो ये रचनात्मक अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया चल रही है, इसे और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है हमारी नई शिक्षा नीति, और इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करना, निदान और सुधार के साधन प्रदान किए जा सकें, छात्रों को अधिक कौशल प्रदान किए जा सकें, जैसे बोधात्मक, मनोप्रेरक, भावात्मक आदि। अब हम बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और पिछले सत्र के भी जब आपने वेबिनार अटेंड की थी उस समय भी मैंने चर्चा की थी, और तब भी ये कहा था कि यही आधार है हमारी संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का, ज्ञान, समझ बूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, और यही आधार है प्रश्नों को तैयार करने का। इससे अगली जो स्लाइड में आपके साथ साझा कर रही हूं, संभव हो तो आप इसे नोट कर लें या इसकी फोटो खींच लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके प्रश्न निर्माण करने में बहुत सहायक रहेंगी, क्योंकि ये संबंधित क्रियाएं हैं उद्देश्य स्तर के आधार पर। जब आप पिछले वाले में देख रहे हैं कि लॉट्स और हॉट्स के रूप में लिखा हुआ है, आप सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, लॉट्स और हॉट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो ज्ञान और समझ बूझ वाले जो प्रश्न रहेंगे वो हमारे लॉट्स के अंतर्गत आते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और इसके अतिरिक्त अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपके जो प्रश्नों का प्रारूप सीबीएसई द्वारा कहा जा रहा है बदलने का, उसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की ओर लेकर जा रहा है। प्रश्न हमारे कैसे होने चाहिए, जो अनुप्रयोग पर आधारित हो, विश्लेषण पर आधारित हो, संश्लेषण पर आधारित हो, मूल्यांकन पर आधारित हो। हमारा संश्लेषण जो क्रिएटिविटी है वो सबसे ऊपर का स्तर है और मूल्यांकन नीचे, पहले इस प्रकार से निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद बेंजामिन सैमुअल ब्लूम्स के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, और संश्लेषण वाली जो प्रक्रिया है यानी कि क्रिएटिविटी, वो सबसे ऊपर पहुंचाई। तो ये चार श्रेणियां जो हमारी हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की हैं, और इन्हीं चार के आधार पर आपको प्रश्न तैयार करने हैं। आपके प्रश्नों में यदि इस प्रकार के शब्द होंगे तो वो आपका प्रश्न इस उद्देश्य स्तर को निर्धारित करते हुए होगा। अभिनय करना, उदाहरण देकर स्पष्ट करना, व्याख्या करना, अमल में लाना, संशोधित करना, विश्लेषण करना के अंतर्गत आते हैं, आलोचना करना, आरेखित करना, जांच करना, अनुमान लगाना, नमूना बनाना, संबंध स्थापित करना, परीक्षण करना,
मूल्यांकन करना के अंतर्गत है मूल्य निरूपण करना, आंकना, तर्क प्रस्तुत करना, आप तर्क पूछ रहे हैं। Now subscribe to Bright Duty course at rupees 1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers, and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. ना आपने कोई वाक्य लिखा पाठ के आधार पर और आपने कहा तर्क सहित उत्तर दीजिए, तो आपका जो प्रश्न है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की ओर जा रहा है, क्योंकि आप बच्चों से तर्क के आधार पर उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना, व्याख्या करना, फिर सृजन करना के अंतर्गत आ जाते हैं व्यवस्थित करना, रचना करना, निर्माण करना, योजना बनाना, संश्लेषण करना। हाँ, आप व्यवस्था पूछ रहे हैं, रचना करवा रहे हैं, आपके लेखन संबंधित जो प्रश्न है वो वास्तविक रूप से सृजन के आधार पर ही। तो ये प्रश्न पत्र निर्माण करते समय हमें 21वीं सदी के कौशलों के आकलन की आवश्यकता है, उन्हें जानना आवश्यक है कि हमारी रचनात्मक सोच होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण सोच, समस्या का समाधान और संचार कौशल, कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान का आकलन करने के बजाय जानकारी को संसाधित करने वाला, उसकी व्याख्या करने वाला, उसका उपयोग करने की क्षमता उनमें विकसित हो सके, ऐसी आवश्यकता है। आप देख रहे हैं इस समय सीबीएसई द्वारा जारी प्रश्न पत्र को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूं, जिसमें दो खंड दिए गए हैं, क और ख। खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं और निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के आधार पर उत्तर देने हैं। खंड ख में 4 प्रश्न हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न हैं? 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखना है। फादर कामिल गुल के संकल्प से सन्यासी थे मन से नहीं। लेखक के इस कथन से सिद्ध कीजिए कि फादर का जीवन परंपरागत सन्यासियों से किस प्रकार अलग था, कि बच्चे देखते हैं जीवन में किस प्रकार सन्यासियों का जीवन कैसा रहता है, वो परंपरागत सन्यासी जो हैं उनसे फादर का जीवन, फादर कामिल बुल्के का जीवन कैसे अलग था, हमारे किस उद्देश्य स्तर को निर्धारित करता है। देखिए किस उद्देश्य स्तर को निर्धारित कर रहा है। अनुमान लगा रहा है, जांच कर रहा है, निष्कर्ष निकाल रहा है। तो हमारा उद्देश्य स्तर क्या हुआ? विश्लेषण और मूल्यांकन के आधार पर हम चर्चा करेंगे ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्नों को बनाने के साथ में आपको ये देखना है कि वो हमारे किस उद्देश्य स्तर की श्रेणी में आ रहे हैं, और यही तरीका है इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करने। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है? तो लखनवी अंदाज में हम देखते हैं कि नवाब साहब की सनक किस प्रकार की है, और सटीक उदाहरणों के द्वारा अपने विचार प्रकट करने कि जीवन में सकारात्मक सनक यदि होगी ना, जो एक पॉजिटिविटी की ओर ले जा रही है, तो क्या हो सकता है, आप कहाँ अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। ये लखनवी अंदाज के आधार पर प्रश्न तैयार किया गया। लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता तक सही सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न तैयार किए गए। अब आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा तैयार किया गया सीबीएसई सत्र 2 की परीक्षा के लिए एक स्कोर प्लस जो हमारा मॉडल सैंपल पेपर है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर विद मॉडल टेस्ट पेपर्स। इसमें सीबीएसई के प्रश्न पत्र भी सम्मिलित किए गए हैं, साथ ही 10 मॉडल सैंपल टेस्ट पेपर दिए गए हैं
जो कि हल सहित हैं, जिन्हें सॉल्व भी किया गया है ताकि सभी बच्चे उसके माध्यम से पढ़ते हुए उपयुक्त उत्तर को भी जान पाए। इसके अतिरिक्त 5 अनसॉल्व्ड पेपर्स भी सम्मिलित किए गए हैं यहाँ, जिसके माध्यम से बच्चे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं निर्धारित समय के आधार पर। तो इस समय आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इसी से संबंधित एक प्रश्न, पहला प्रश्न जो दिया गया है, समाज में रहते हुए हमें अपनी प्रतिक्रिया एवं आत्मसम्मान का निर्वाह करना आवश्यक हो जाता है कि हम सभी देखते हैं कि किस प्रकार से हम हमारा सम्मान बना रहे, और ऐसे ही अपने उस झूठे आत्मसम्मान, है ना, जो झूठा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लखनवी अंदाज के माध्यम से हमने जाना कि नवाब साहब जब खीरे जैसी वस्तु को खाने के लिए खरीद सकते हैं, वास्तव में तो खाने के लिए ही खरीदी थी, तो वो एक झूठा दिखावा ही कर रहे हैं उसे फेंकने का। तो ये जो ऐसा सम्मान दिखावा करना ये आवश्यक हो जाता है, लखनवी अंदाज 5 के लेखक ने खीरा खाने से मना करके ये क्या स्पष्ट किया और किस प्रकार से उन्होंने अपनी अरुचि दिखाते हुए चाहते हुए भी वो खीरा नहीं खाया, लेखक ने, नवाब साहब ने भी चाहते हुए भी खीरा नहीं खाया। तो यहाँ पर बच्चा कनेक्ट हो रहा है अपने दैनिक जीवन से, अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने वातावरण में, अपने आसपास जितने लोग हैं उनकी सोच समझ को यहाँ पर जोड़ा गया है प्रश्न के साथ में। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे सैंपल पेपर में सम्मिलित किए गए हैं और आधार वही रखा गया है जो CBSE द्वारा जारी किया गया है। आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र का प्रारूप जैसा CBSE सैंपल पेपर में है बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी निर्धारित किया गया है। अन्य प्रकाशकों द्वारा भी सैंपल पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन आपको जो भिन्नता दिखाई देगी वो यही है कि CBSE के मुख्य रूप से जिस प्रकार से प्रश्नों को तैयार किया गया है वैसी ही रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है, यहाँ दी गई है, और साथ ही बिल्कुल उसी अनुपात में, उसी क्रम संख्या के आधार पर और अंकों के आधार पर, शब्द सीमा के आधार पर प्रस्तुति यहाँ दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, नवाब साहब द्वारा खीरे की तैयारी करने का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। और फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी नहीं कह सकते, कथन के समर्थन में अपने विचार लिखिए। आप देख रहे हैं शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए, अपने विचार लिखिए, वर्णन कीजिए, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये सभी हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। एक अनसॉल्व्ड प्रश्न पत्र का भी उदाहरण मैं ले रही हूँ जो कि स्कोर प्लस से ही है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के के प्रभाव को दर्शाने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? खानदानी तहजीब, नफासत, नजाकत आदि शब्द पाठ में किस सभ्यता की विशेषता दर्शाते हैं? नवाब साहब के खीरा खाने के तरीकों में इन शब्दों के भावों का कितना समावेश है? तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में किस महापुरुष का वर्णन है? यह विशेषण उनकी विशेषताओं को किस प्रकार दर्शाता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। नवाब साहब ने खीरे का किस तरह से इस्तेमाल किया और क्यों? इस प्रकार से बच्चों की सोच समझ को उजागर करते हुए स्पष्ट रूप से प्रश्नों को तैयार किया गया है, और ये आपके लिए और बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा इस प्रकार का सैंपल क्वेश्चन पेपर। अगला प्रश्न CBSE द्वारा तैयार किया गया प्रश्न पत्र से उससे लिया गया है। उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए, और इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कोई भावुकता ना होकर जीवन में संचित किए अनुभवों की अनिवार्य सीख है? आप देख रहे हैं ओपन एंडेड है ना, यहाँ कविता का नाम नहीं दिया गया कि किस कविता की बात हो रही है। बच्चे को सोचना है कि उसने कौन सी कविता पढ़ी थी जिसमें ऐसी सीख दी गई है, कौन सी कविता पढ़ी थी जिसमें फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको प्रभावित करती हैं और क्यों स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे ने जो कविता पढ़ी है उसकी अंतिम पंक्तियां जब उसे याद होंगी तभी उसका वर्णन कर पाएगा। तो उसके जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है वो अंतिम 4-5 दिनों की नहीं रह जाएगी, अभी तो आरंभ से ही बच्चा कक्षा की गतिविधियों में भाग लेगा,
क्योंकि उसे ये समझना आवश्यक है कि प्रश्नों का प्रारूप भिन्न रहेगा जब तक आप कक्षा में चर्चा नहीं करेंगे। विस्तार पूर्वक नए नए ढंग से सोचने और रचनात्मक तौर पर उसे के लिए प्रश्नों को तैयार करने की आवश्यकता पर बल नहीं देंगे तब तक बच्चा इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो पाठ्यक्रम को समझना है ना एक हमें। Now subscribe to Bright Duty course at rupees 1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Duty and avail your courses at affordable prices. एक शब्द अंग्रेजी का कहेंगे कि सिलेबस कवर करना होता है। हमने सिलेबस कवर कर दिया है ना, मेरा सिलेबस कवर हो गया है, हमें कवर नहीं करना है ना। कवर तो अगर हम उस शाब्दिक अर्थ के आधार पर देखें तो हम कहते हैं ढक दिया। हमें अनकवर करना है, हमें समझाना है, हमें सिखाना है, उस पाठ के साथ बच्चे को जोड़ना है और उस जोड़ने के साथ साथ जीवन में वो किस प्रकार से उपयोग करेगा इस बात का महत्व उसके साथ बढ़ाना है। सहमत है सभी मेरी बात से? सहमति अवश्य दर्शाते रहें चैट बॉक्स के माध्यम से ताकि पता चलता रहे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और जिस प्रकार से हम अपनी बात को रख रहे हैं क्या वो आप सभी सहमत हैं या नहीं उससे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। निराला की कविता उत्साह और ऋतुराज की कविता, उनमें सामाजिक किस प्रकार के सामाजिक क्रांति का आवाहन किया गया है? निराला की कविता और ऋतुराज जी की कविता दो अलग अलग कवि हैं, दोनों की अलग अलग कविताएं हैं। एक कविता प्रकृति पर आधारित है, दूसरी कविता कन्यादान, ऋतुराज जी की कविता कन्यादान, जो कि लड़की के विवाह से संबंधित उस बात को दर्शाती है, बताती है। लेकिन दोनों में ही सामाजिक चेतना की बात की गई है, सामाजिक चेतना जगाने की बात की गई है। तो क्या इस प्रकार के प्रश्न देख रहे हैं आप, तुलना की जा रही है, तुलनात्मक अध्ययन, एनालिटिकल थिंकिंग, हम बच्चा एनालाइज कर रहा है, दोनों को कंपेयर कर रहा है ना, और उसके बाद अपने विचार प्रकट कर रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए, आपके द्वारा इस सत्र में पढ़ी गई कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये इस समय जो मैं प्रश्न दिखा रही हूँ ये स्कोर प्लस के माध्यम से के द्वारा लिए गए हैं। जो हमारा स्रोत है वो सोर्स प्लस है, सीबीएसई द्वारा जारी प्रश्न पत्र के आधार पर गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा जारी किया गया ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों का की एक पुस्तक है। और आप देख रहे हैं प्रश्नों का प्रारूप जो है बिल्कुल उसी ढंग से लिया गया है। कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है, तर्क सहित इसका कारण स्पष्ट कीजिए कि तर्क के आधार पर उत्तर देना, अंतिम पूंजी क्यों, क्यों माता पिता के लिए वो अंतिम पूंजी हो जाए। तो बच्चा अपने विचार यहाँ प्रकट कर रहा है। प्रश्न देख रहे हैं आप अगला, आपके द्वारा पढ़ी गई इस सत्र की कौन सी कविता आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों। तो बच्चा अपने आधार पर उत्तर देगा कौन सी कविता उसे अच्छी लग रही है और क्यों अच्छी लग रही है। तो रटा रटाया नहीं है, है ना ही उसके एक दिन पढ़ने पर वो दे सकता है इस प्रकार के उत्तर। फिर एक अनसॉल्व्ड पेपर में से मैं प्रश्न ले रही हूँ, फागुन की मस्ती का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कविता अट नहीं रही है के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कन्यादान कविता की माँ समाज की परंपरागत माओ से कैसे अलग है, देख रहे हैं वो माँ क्या सीख दे रही है
लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत दे। क्यों नहीं दिखाई दे? क्या कारण है कि वो जो नजाकत और भावुकता, कोमलता जो नारी के श्रृंगार है, उसका क्यों उसे, जब समाज यदि ऐसा उसके साथ गलत कर रहा है तो उसे उसे सहन नहीं करना, उन भावनाओं को उसे उनसे अलग बढ़कर उसे कार्य करना है, तो ये परंपरागत माँ से अलग है, क्योंकि वो एक विद्रोह की भावना भी उसमें जगा रही है कि गलत को सहन नहीं करना। अगला प्रश्न देखिए, उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए और आपके द्वारा पढ़ी गई किस कविता में समाज व्यवस्था में सुधार को दर्शाया गया है और आप इस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या प्रयास करेंगे। वहां जोड़ा गया है बच्चे के विचार अपने प्रकट करेगा, वहां पर बताएगा समाज व्यवस्था को सुधारने के लिए उसका प्रयास क्या होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे को निर्णय लेने की क्षमता, ना हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वहां पर निर्धारित की गई है, दिखाई जा रही है। अभी मैं देख रही हूँ मैसेज, ब्रजेश कुमार जी का मैसेज है कि क्या इस प्रकाशन की एक प्रति मिलेगी। सर ये आप वेबसाइट से देख सकते हैं, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की वेबसाइट के माध्यम से भी आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जितिन जी आप कुछ लिंक भी शेयर कर दें चैट बॉक्स में, जिससे हमारे अध्यापक उसे कॉपी कर लें और बाद में yes, वहां से मैं लिंक शेयर ले कर रहा हूं। पद्मा जी का प्रश्न है, अंतिम पंक्ति वाले प्रश्न में हर बच्चे का उत्तर अलग हो सकता है। बिल्कुल जी, अलग हो सकता है, क्योंकि उसे जिस कविता ने प्रभावित किया, चाहे वो अट नहीं रही है, उत्साह है या कन्यादान है, बच्चा अपने आधार पर लिखेगा। और व्यवस्था में सुधार वो हर व्यवस्था के आधार पर कह सकता है। वहां कन्यादान में वो लड़की की शादी से विवाह से संबंधित कुछ सुझाव दे सकता है, या उत्साह कविता के माध्यम से अपने सुझाव देगा कि वो किस प्रकार का वातावरण चाहता है, कैसी आवश्यकता हो, इस आधार पर। धन्यवाद अध्यापकगण, कृपया इसे आप कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लें, www.goyal-.com, ठीक है, वहां से आप बच्चों को खरीदने के लिए कह सकते हैं। और साथ ही प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, कुछ प्रश्न पत्र भी आप देख सकते हैं, उनके लिंक भी चैट बॉक्स में साझा किए गए हैं। हिंदी बी के लिए कल है पूनम जी, हिंदी बी की वेबिनार कल है 5 बजे, समय यही रहेगा। रजिस्ट्रेशन लिंक हमारे बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स में दिया गया है, तो वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। कक्षा 10वीं के लिए तैयार किए गए हैं गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के पुस्तकें, 9वीं के लिए तैयार नहीं की गई है। शिखा जी आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से कहकर इसका आयोजन करवा सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अंतिम कुछ समय में मैं पूछूंगी, तब आप अपना नंबर मैसेज कर देंगे, जो सदस्य हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए उन्हें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आप बढ़े अगले स्लाइड की ओर। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक गतिविधि है आपके लिए जिसमें लिखा है, कैन यू मेक 2 स्क्वायर्स एंड 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स यूजिंग ओनली 8 स्ट्रेट लाइंस। क्या आप केवल 8 सीधी रेखाओं का उपयोग करके 2 वर्ग और 4 समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? तो ये गतिविधि है आपके लिए, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो कैमरा ऑन करके जल्दी जल्दी से बना के देखिए क्या ऐसा संभव है। 2 वर्ग और 4 समकोण त्रिभुज संभव है, बन पा रहा है? सोच रहे हैं? चैट बॉक्स में मैं प्रतिक्रिया देख रही हूं, क्या आप ऐसा बना पा रहे हैं कि संभव है 8 रेखाओं से आपको तैयार करना है 2 वर्ग और 4 समकोण त्रिभुज? क्रिएटिव थिंकिंग है ना, हम कहते हैं कि जो लिखा हुआ है उससे अलग सोचने वाली बात, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। कैसे करेंगे? ये आवश्यकता है ना कि हमारे बच्चे सिर्फ उस पाठ को जैसा लिखा है वैसा ही रटवाना नहीं है, क्यों आवश्यक है क्रिएटिव थिंकिंग? देखिए किस प्रकार से हम इसे तैयार कर सकते हैं। 8 सीधी रेखाएं हैं,
और दो वर्ग इससे हमने तैयार किए, ये बना है पहला वर्ग और ये है दूसरा, ठीक है। और चार समकोण त्रिभुज भी हमारे बन रहे हैं, चार राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ये देखिए बन रहा है ना, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। तो यही एक सोच को अलग ढंग से दर्शाने की बात है कि हम जो सोच रहे हैं उसे नए तरीके से हम कैसे दिखा सकते हैं। जो सीधी सीधी रेखाएं थी, 8 रेखाएं, उन्हें जोड़कर हम किस ढंग से एक नया रूप प्रदान कर सकते हैं, और यही आवश्यकता है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. कि हमें रटे रटाए जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं प्रश्न हैं, उनमें थोड़ा सा बदलाव करना है, स्वयं भी प्रयास करना है और अधिक सोच समझ के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो ये एक छोटी सी हमारी गतिविधि थी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 जो सीबीएसई प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में दिया गया है, जिसमें कहा गया कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं और लगभग 60 शब्दों में उत्तर लिखना है। माता का अंचल पाठ में वर्णित बचपन और आज के बचपन में क्या अंतर है, कनेक्टिविटी जोड़ा गया वर्तमान समय से, पाठ के आधार पर आज के समय में बच्चों का बचपन कैसा है, दोनों में अंतर दर्शाया गया है, क्या अंतर होना चाहिए, दोनों बचपनों के जीवन मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। जॉर्ज पंचम की नाक, अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग को स्पष्ट करते हुए बताइए कि इनसे मुक्ति पाना क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न, नदी कुलों वादियों और झरनों के स्वर्गिक सौंदर्य के बीच किन दृश्यों ने लेखिका को झकझोर दिया, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को देखा आपने, जिनमें स्पष्ट रूप से बच्चों को जोड़ा गया है क्रिएटिविटी के लिए और एक नए ढंग से लेखन के लिए प्रेरित किया गया है। अब यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न जो स्कोर प्लस प्रतिदर्श प्रश्न पत्र की पुस्तक में दिया गया है, माता का आंचल पाठ के आधार पर क्या परिवर्तन आया है बचपन में, उनके खेलों में क्या परिवर्तन आया है, इस आधार पर प्रश्न तैयार किया गया। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना, कल्पना करना, परिवर्तन करना, अंतर बताना और वर्तमान के साथ जोड़ना, सभी प्रश्न हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को दर्शाने वाले हैं। अनसॉल्व्ड पेपर से मैं कुछ प्रश्न ले रही हूँ। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। सिक्किम के यात्रा वृतांत में लेखिका को सीमा पर तैनात सैनिकों को देखकर किस प्रकार की अनुभूति हुई, और जॉर्ज पंचम की नाक में सरकारी तंत्र का मजाक उड़ाया गया है कैसे। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों को वर्तमान के साथ जोड़ते हुए उनकी अनुभूति, उसे समझना और उसके आधार पर उत्तर देने के लिए प्रेरणा प्रदान की गई। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, अनुच्छेद लेखन जो 150 शब्दों में लिखना है, कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई, संकेत बिंदु दिए गए हैं,
दूसरा है मानव और प्राकृतिक आपदाएं, और तीसरा विकल्प यहाँ दिया गया सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। आप देख रहे हैं ये जो अनुच्छेद लेखन के विषय दिए गए हैं, ये सभी विषय ऐसे हैं जो वर्तमान के साथ जोड़ते हुए और बच्चों को के जीवन से उनके वातावरण के आधार पर ही उन विषयों से ही जोड़ते हैं जो बच्चा अपने आसपास देख रहा है। तो ऐसे ही अनुच्छेद के विषयों को हमें सम्मिलित करना है और बच्चों को अभ्यास करवाना है जो उनके जीवन जगत से जुड़े हुए हो, ताकि बच्चा उन पर अपनी मौलिक अभिव्यक्ति, रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सके। यहाँ देख रहे हैं आप प्रतिदर्श प्रश्न पत्र स्कोर प्लस जो गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा तैयार किया गया, उसका पृष्ठ मैं यहाँ दिखा रही हूँ। प्रश्न 4 के माध्यम से, परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा। अब हर बच्चे की मनोदशा जैसी होती है उस प्रकार का ही वर्णन करेगा, उसे कहीं से देखने की, कहीं से नकल करने की, कहीं किसी गूगल करने की, कहीं किसी व्याकरण की पुस्तक को देखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मौलिक अभिव्यक्ति बच्चा यहाँ कर सकता है, परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, कोरोना वायरस। और अगला अनुच्छेद यहाँ दिया गया है विषय जंक फूड। तो इस प्रकार से ये सभी विषय बच्चे के जीवन जगत से जुड़े हुए हैं और इसी प्रकार के विषयों का मिश्रण हमें अपने करना होता है। जिस प्रकार का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वैसा ही आपको तैयार करना है, वैसी ही तैयारी करवानी है। तो जो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं अध्यापक, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, पाठ्यक्रम में नहीं दिया हुआ और सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, तो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही अपने अभ्यास बच्चों को करवाना है, उतने ही आपके विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ प्रतिशत रहता है कि कितने परसेंट उसमें चॉइस होनी चाहिए, उसे आधार बनाते हुए भी ही वहां तैयार किया गया है। स्कोर प्लस का एक अनसॉल्व पेपर का उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत की राष्ट्रीय समस्याएं, राजभाषा हिंदी और आंखों देखती दुर्घटना। तो ये सभी विषय बच्चों के जीवन से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार की राष्ट्रीय समस्याएं क्या हैं, आपदा जो हमारी आई है उसे ले सकते हैं, समाज सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, राजभाषा हिंदी का क्या स्थान है और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा है, आंखों देखी दुर्घटना ये भी सभी बच्चों के जीवन में कभी ना कभी घटित हुई होती है घटनाएं, तो उसका वर्णन यहाँ पर स्पष्ट रूप से किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न सीबीएसई प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के आधार पर, आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई ना करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए लगभग 120 शब्दों में पत्र, बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज भी मैं कहूंगी कि बहुत से बच्चे ऐसी घटनाएं, ऐसे बातें अपने घर में देख रहे हैं और ऐसी परिस्थितियां आज भी हैं कि पढ़ाई आगे नहीं करनी और शादी करवाना चाहते हैं। तो इस बात के लिए किस प्रकार से बच्चा अपने विचार प्रकट करेगा। और दूसरा प्रश्न यहाँ सम्मिलित किया गया है, आपके क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकान का संचालक गरीबों के लिए आए अनाज की कालाबाजारी करता है और कुछ कहने पर उन्हें धमकाकर उसकी शिकायत करने हेतु लगभग 120 शब्दों में पत्र लिख, शब्द सीमा 120 शब्द रहेगी। आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, एक अंक किसके लिए दिया गया है, विषय वस्तु के लिए 3 अंक और भाषा का तशुद्धि के लिए 1 अंक दिया गया है। अब पत्र के संबंध में बहुत से प्रश्न रहते हैं कि मैम अपना पता लिखना है या नहीं लिखना। तो परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो अपना पता और अपना नाम न लिखने की बजाय हम बच्चों को प्रेरित करें कि वे परीक्षा भवन लिखें और अब अपने नाम की जगह कखग लिख सकते हैं। विद्यालय का नाम लिखना हो तो अबस विद्यालय, अबस नगर, इस प्रकार से पता दिया जा सकता है। फिर एक प्रश्न रहता है कि मैम दिनांक कहाँ लिखनी है, ऊपर लिखनी है या नीचे लिखनी है। तो बच्चा अगर ऊपर लिख रहा है परीक्षा भवन नई दिल्ली दिनांक, और फिर लिखता है जिसे भेजा जा रहा है पत्र उसका लिखते हुए, लेकिन नीचे भी यदि लिख रहा है तो भी उसे स्वीकृत किया जाए। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के प्रारूप प्रचलित हैं और एनसीईआरटी द्वारा अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक दी गई है उसमें राइट हैंड साइड पर भी दिनांक दी गई है। तो
तो अगर बच्चा दिनांक राइट हैंड साइड में लिख रहा है लेफ्ट की बजाय, तो उसको भी आप स्वीकार करेंगे, सिर्फ दिनांक की बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और लगभग 3 पैराग्राफ में अपनी विषय वस्तु बच्चा लेकर आए, इस बात को भी हम। नाउ सब्सक्राइब टू ब्राइट ड्यूटी कोर्स एट ₹1 पर डे ओनली। Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. बच्चों को कहें अधिक से अधिक कि 3 पैराग्राफ को बनाए अपने पत्र। आप देख रहे हैं स्कोर प्लस प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में इसी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया सर्व शिक्षा अभियान के प्रोत्साहन के लिए रात्रिकालीन प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, जिससे बच्चे एक सामाजिक कार्य के साथ जुड़ रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर दूसरा पत्र आप देख रहे हैं छात्रावास में रह रहे अपने छोटे चचेरे भाई को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखा। फिर एक अनसॉल्व्ड प्रश्न मैं ले रही हूँ स्कोर प्लस सैंपल पेपर का। हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक के नाम लगभग 120 शब्दों में एक पत्र लिखे, जिसमें समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति चिंता व्यक्त की गई हो, अथवा अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लगभग 120 शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ सम्मिलित किए गए हैं। छठा प्रश्न आता है जो कि आपका विज्ञापन के आधार पर है, जिसमें अलग ढंग से विज्ञापन पूछे गए हैं। 4 विज्ञापन कुल दिए गए हैं और प्रत्येक के लिए एक एक विकल्प निश्चित किया गया है, बच्चे को 2 करने हैं। 2.5 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं और 1 अंक विषय वस्तु के लिए, 1 अंक उसकी प्रस्तुति के लिए, आधा अंक उसकी भाषागत अशुद्धियों के लिए निर्धारित किया गया है। 50 शब्द इसके लिए शब्द सीमा निर्धारित की गई है और विज्ञापन के लिए मैं 5 शब्दों में के लिए विज्ञापन कहती हूँ कि बच्चे ये 5 शब्द याद रखें तो विज्ञापन लेखन उनके लिए सरल हो जाता है। और वो 5 शब्द हैं, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, नाम दाम काम कब कहा। नाम दाम काम कब कहा, नाम दाम काम कब कहा। तो इस प्रकार से नाम से तात्पर्य है कि जिस वस्तु का विज्ञापन कर रहे हैं उसका नाम अवश्य होना चाहिए। कई बार आप देखते हैं बच्चे का विज्ञापन बन जाता है और जो वस्तु बेचनी है उसका नाम ही वो नहीं है ना। तो बच्चों को समझाना है कि अपना ब्रांड, अपना नाम एक देना है आपको उस वस्तु के लिए, किसी वस्तु का विज्ञापन जब तैयार करना है। दाम यानी कि कीमत, उसकी क्या कॉस्ट रहेगी। फिर काम यानी कि उसके गुण क्या है, गुण उसकी विशेषताएं बताते हुए लिखना। कब और कहाँ कि कब उपलब्ध होगी, कहाँ उपलब्ध होगी, इस बात का वर्णन भी विज्ञापन में किया जाना चाहिए। एक बॉक्स बनाकर लिखना है, राइमिंग लाइन होनी चाहिए, पंक्तियां होनी चाहिए, कुछ काव्यात्मक पंक्तियां। आप देख रहे हैं 4 प्लस प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का एक प्रश्न, पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना। तो किस प्रकार से ये तैयार किया गया, जल बचाने की बात की जा रही है, किसके द्वारा जारी किया गया, इस बात की भी पुष्टि की गई है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, रोशनी मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कर। तो किस कहां मिलेगी, नाम क्या है, दाम क्या है, कब है, कहाँ है, इस बात की जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर
ख भाग में जो कि दोनों में से कोई एक किया जाएगा, रंगमंच उत्सव के लिए विज्ञापन और अथवा मधुर राग अकादमी में प्रवेश हेतु एक विज्ञापन तैयार करना। तो इस प्रकार से शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए और ये पांच शब्दों को प्रस्तुत करते हुए अपने विज्ञापन को बच्चा तैयार करे, नाम दाम काम कब कहां। अगला प्रश्न हम लेते हैं, ये अनसॉल्व्ड पेपर जो सीबीएसई द्वारा तैयार किया गया है, अनसॉल्व पेपर जो गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा तैयार किया गया है, उसमें से मैं प्रश्न ले रही हूँ। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन, जीवन बीमा निगम की पॉलिसी का लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए, पुरानी साइकिल की बिक्री के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस प्रकार से शब्द सीमा और प्रश्नों का प्रारूप बिल्कुल उसी ढंग से है जैसा कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र द्वारा सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं जो शुभकामना संदेश प्रदान करने वाला है, 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखना है और दूसरा साहसिक कार्य के लिए बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मित्र को 40 शब्दों में बधाई संदेश। फिर ख भाग इसका दिया गया है, केरल के निवासी अपने मित्र को ओणम के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक बधाई देते हुए शुभकामना संदेश देते हुए लिखेंगे संदेश, अथवा भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ पर 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखें। दो संदेश लिखने हैं, रचनात्मक प्रस्तुति के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है, विषय वस्तु के लिए एक और भाषा के लिए आधा अंक दिया गया है। तो इसी प्रकार से आप मूल्यांकन भी करेंगे। अंक विभाजन को मैंने इसीलिए सम्मिलित किया है कि आप देख सकें कि यदि भाषा का प्रशुद्धि है तो उसके लिए आधा अंक ही काटा जाएगा ढाई में से, और विषय वस्तु सही है, रचनात्मक प्रस्तुति ठीक ढंग से की है बच्चे ने, तो दो अंक उसके लिए दिए जाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। शुभकामना संदेश के लिए भी जब हम संदेश लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें एक बॉक्स तैयार करना है और संदेश को किस प्रकार से हम पहुंचाएंगे उसे आधार बनाते हुए दिनांक लिखेगा बच्चा कि कहाँ पर दिनांक लिखी जा रही है, उल्टे हाथ की तरफ दिनांक लिखेगा, समय लिखेगा जिस समय संदेश लिखा जा रहा है, जिसके लिए लिखा जा रहा है उसको उसे संबोधित करते हुए, जैसे प्रिय मित्र नाम लिख दिया कोई भी जो यदि दिया है तो उसके आधार पर क्या वर्णन उसे करना है, उसे बाल वीर का पुरस्कार मिला तो उससे संबंध में प्रस्तुत करना। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण स्वरूप अगला हम देखते हैं जो हमारे गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा सॉल्व्ड पेपर यहाँ दिया गया है, संदेश दिनांक दी है, प्रिय स्नेहा जन्मदिन की हार्दिक बधाई, आज तुम 11 वर्ष की हो गई हो, इस अवसर पर मैंने तुम्हें एक सुंदर उपहार प्रेषित किया है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य सुख एवं उन्नति प्रदान करें, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, तुम्हारा अग्रज मुकुल। तो आप देख रहे हैं एक संदेश लगभग 40 शब्दों में देना है, संदेश शब्द का प्रयोग करना है आवश्यक रूप से और एक बॉक्स बनाकर आप अपना संदेश प्रस्तुत करेंगे। अनसॉल्व्ड पेपर से भी मैं कुछ उदाहरण लूंगी, ये हमारा अगला इसका ख भाग है, माँ के जन्मदिन के अवसर पर 40 शब्दों में संदेश लेखन या छोटे भाई को संदेश लिखना, तो इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। फिर एक अनसॉल्व्ड वाले में से मैंने प्रश्न लिया, होली के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखिए, अथवा थल सेना दिवस के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए, शिक्षक दिवस पर शिक्षा मंत्री की ओर से लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश और देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामना या बधाई देते हुए 40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो आधार क्या रहेगा और किस प्रकार से लिखना है ये सब आपने देख लिया है। अब बात आती है अंक योजना की, मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी, बट जो मार्किंग स्कीम में दिए गए हैं क्या वो सभी बिंदु उसमें सम्मिलित होने चाहिए। तो शब्द सीमा का आधार हमें मुख्य रूप से देखना है, ये ध्यान रखना है कि एक अंक जब दिया जा रहा है तो उसके लिए एक बिंदु बच्चे को लिखा सही ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए,
कई बार बच्चा एक ही बात को घुमा फिरा के कहता रहता है और दो अंक के प्रश्न के लिए शब्द पूरे हो जाते हैं, पर उसमें आपको पॉइंट नहीं मिलता कि दूसरा बिंदु क्या है। उस आधार पर भी एक अंक ही वहां पर हमने। समान त्रुटियों के लिए स्थान स्थान पर अंक न काटे जाए। अगर एक जैसे शब्द को बच्चा पूरे पेपर में गलत लिख रहा है, अशुद्ध लिख रहा है, तो उसके लिए अंक बार बार नहीं काटे जाएंगे। गुणवत्तापूर्ण सटीक उत्तर देने पर 100% अंक देने में किसी प्रकार का संकोच ना किया जाए। स्पष्ट रूप से सीबीएसई द्वारा कहा गया है कि पूरे अंक दिए जा सकते हैं यदि बच्चे ने सही उत्तर लिखा है तो मूल्यांकन में 0 से 100 ना, तो 100% अंकों का पैमाना स्वीकार्य है, फिर पूरे अंक दिए जा सकते हैं। मूल्यांकन कार्य निजी व्याख्या के अनुसार नहीं अपितु अंक योजना में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार ही दिया जाए। तो इसी प्रकार से हमें अंकों का समावेश करना है। तो जो कुछ प्रक्रिया हमने देखी और इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा बिना बोझ के, है ना, आप बोझ नहीं बना रहे, आप उनकी समझ को बढ़ा रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को समझ का चस्का लगने देना चाहिए जिससे उन्हें सीखने में मदद मिले और जब वे कतरों और बिंबों में संसार को देखें और जिंदगी की लेन देन में दाखिल हों तो अपने मुताबिक ज्ञान का रूपांतर वे कर पाए, वो देख पाए जीवन में क्या हो रहा है, उसके साथ रिलेट कर पाए और आगे बढ़ सके। शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे शिक्षक या डाक के जरिए कहीं पहुंचा दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने किताब खोली और बच्चे के को पूरी तरह से याद होगी। एक अध्यापक या अध्यापिका तो कक्षा के सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन कौन कितना समझ रहा है उसके आधार पर बच्चों के मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसी आधार पर होता है कि कौन उसे किस ढंग से ग्रहण कर रहा है। उर्वर और ऊर्जादायी शिक्षा की जड़ें हमेशा ही बच्चे की भौतिक और सांस्कृतिक जमीन में गहरी पैची होती हैं और उन्हें माता पिता, शिक्षकों, सहपाठियों और समुदायों के साथ पारस्परिक क्रियाओं से पोषण मिलता है। तो ये ऐसी जड़ें हैं जिन्हें आप पोषण प्रदान कर रहे हैं अपने इस परिवर्तन द्वारा, अपने इस नई शिक्षा नीति के द्वारा, आपके द्वारा तैयार किए गए योग्यता आधारित प्रश्नों के द्वारा बच्चे उससे जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। आचार्य चाणक्य का यह कथन है और बिल्कुल आप सभी इस कथन से सहमत हैं और हम सभी इसकी भागीदारी में आगे बढ़ते रहते हैं और उसी निर्माण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों में लेखन के प्रति किस प्रकार से रुचि को विकसित किया जाए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए जीवन उपयोगी कार्यों में जोड़ने के लिए उनकी शिक्षा को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इसका कार्य करते हैं। कुछ सहायक सामग्री गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा तैयार की गई है जो कि स्कोर प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से है विद मॉडल टेस्ट पेपर्स हिंदी ए, और साथ ही इसमें आप देख रहे हैं कि बाइफर्केटेड सिलेबस जो दिया गया है उसके आधार पर सैंपल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं और 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं जिनकी बात मैं पहले कर चुकी हूँ और आप समय समय पर अभी देख रहे थे किस प्रकार के प्रश्नों को तैयार किया गया है। 5 मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो तैयार किए गए हैं। ब्राइट क्यूटी का एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप हिंदी कोर्स ए के सभी पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उनका विश्लेषण, उनका विस्तार और प्रश्नों को देख सकते हैं। साथ ही गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा तैयार की गई एक पुस्तक है नूतन व्याकरण आलोक जो कक्षा 10वीं अ के लिए तैयार की गई है, कोर्स ए के लिए तैयार की गई है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को उसमें देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया और बच्चों के लिए वो अवश्य सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी आपकी प्रतिक्रिया रहेगी। धन्यवाद, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जो इतने समय से आपने जुड़कर और गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा तैयार की गई इस वेबिनार में हिस्सा लिया और आशा करते हैं आप सभी के लिए यह सत्र उपयोगी सिद्ध रहेगा। आपकी प्रतिक्रियाएं आप चाहें तो साझा कर सकते हैं और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उन्हें भी आप सम्मिलित कर सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अध्यापकों का हार्दिक धन्यवाद। सभी की प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं और वास्तव में ये प्रोत्साहन भरी जो प्रतिक्रियाएं हैं ये मेरे लिए एक मार्गदर्शक भी हैं और आप सभी का प्यार और सहयोग भी है जो मुझे प्राप्त हो रहा है और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। विद दिस वी विल एंड द वेबिनार। थैंक यू। Now, subscribe to Bright Duty course at Rs. 1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.